नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी। अब की बार किसका बंगाल, इसका जवाब तो जनता देगी, लेकिन जुबानी जंग तेज हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनके द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि बंगाल का धरती पुत्र ही अगला मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का। बीजेपी को बाहरी बताने पर ममता बनर्जी को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये जवाब दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में इस बार परिवर्तन होना तय है और 200 प्लस के अपने मिशन को भी उन्होंने दोहराया। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। तो बंगाल की ही मिट्टी का मुख्यमंत्री बंगाल को बीजेपी देने जा रही है, ये बड़ी बात गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कही गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है और 5 साल में बीजेपी बंगाल को सोनार बांग्ला बना देगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार की खास बातचीत देखिए। बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। सर, 2 दिन के इस दौरे पर, इसके पहले भी, अब क्या इस दौरे में और पिछले दौरे में बीजेपी का कितना मुकाम हासिल हुआ, यहाँ के जनता से कितना जुड़ा हुआ अमित शाह खुद? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बंगाल के गांव-गांव तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का काम हमारा हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इंटीरियर बंगाल में जहाँ पर भी जाते हैं, रोड पर लोग जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं, जो दिखाई पड़ता है, उससे इतना मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता के हृदय में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिला लिया है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। हम 200 से ज़्यादा सीटों के साथ यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, माँ माटी मानुष की बात करती थी ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता बीजेपी में आए हैं और कह रही हैं कि ऐसे लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अहंकार या हताशा? देखिए, मैं ऐसी कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मगर मैं इतना जरूर मानता हूँ कि जब सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा योगदान करने वाले लोग वहाँ से त्रस्त होकर, वहाँ से अन्याय सहन कर निकलते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, तो इसका फायदा निश्चित होता है। अमित जी, एक सवाल आता है कि आप जब भी दौरे में आते हैं तो अलग अलग कल्चर, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल का होता है, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, सब कुछ एक जुड़ाव होता है, क्या बीजेपी अपने आप को उस जुड़ाव से और जोड़ के ममता बनर्जी को टक्कर देना चाहती है, जैसे कि आज ही आप आए हैं बसदेव जी के पास? नहीं, इसका उद्देश्य किसी को टक्कर देना नहीं है। मेरे व्यक्तिगत रूप से इसका उद्देश्य बंगाल के संस्कृति को से परिचित होना, यहाँ की कला से परिचित होना, यहाँ से कलाकारों से परिचित होना और समाज जीवन के जो अन्य अन्य पहलू हैं, इससे परिचित होना। मैं कई और राज्यों में गया, तब भी मैंने करा, चाहे कर्नाटक गया, चाहे राजस्थान गया, और मैं मानता हूँ कि ये कला ही है जो पूरे भारत को जोड़कर रखती है। ये समाज जीवन का जो प्रवाह है वो अक्षुण होना चाहिए और पूरे भारत में एक होना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आपने किसान सभा भी की, किसानों के साथ भोजन भी किया है और किसानों के साथ आप लोग खुद संवाद करें, प्रधानमंत्री जी आज रकाबगंज भी गए थे, तो आपको लगा कि किसान यहाँ से जो आप जो अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, इसका असर दिल्ली के बॉर्डर पर भी होगा? हम तो ऐसी ही आशा करते हैं, जरूर होगा। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम खुले मन से हर सवाल को सोचने के लिए तैयार है, मगर किसी ने भी जिद नहीं करनी चाहिए। यस और नो ये भाषा नहीं होती, ये संवाद की भाषा है। वो हमें भी सुने, हम उनको भी सुने और जो उचित है इस पर निर्णय हो। हाँ या ना, ये संवाद की भाषा नहीं होती। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की जनता से सोनार बांग्ला बनाने के वादे पर जोर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने बीरभूम में भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। बोलपुर में बीजेपी के रोड शो में वंदे मातरम के साथ साथ जय श्री राम के नारे गूंजे। खुद अमित शाह ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे पहले आपको याद होगा कल उनका जो रैली में संबोधन था, वहां पर भी उन्होंने जय श्री राम के नारा लगाया था। रोड शो से पहले अमित शाह ने हनुमान मंदिर में पूजा भी की है, वो शांति निकेतन भी गए जहां उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। कल उन्होंने मिदनापुर में किसान के घर भोजन किया था, आज उन्होंने बीरभूम में बाउल गायक के घर खाना खाया। रोड शो में शक्ति प्रदर्शन के साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी को अल्टीमेटम भी दिया।
गृह मंत्री अमित शाह का ये उद्घोष पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए है। पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन भी अमित शाह ने जय श्री राम के नारे के साथ राज्य की जनता का जोश बढ़ाया। साथ ही साथ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अल्टीमेटम भी दे डाला। अमित शाह ने आज बीरभूम के बोलपुर में मेगा रोड शो किया। इस रोड शो में बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ जुटी। इस दौरान बीजेपी समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। जहां कभी शंखनाद किया गया, तो कभी जय श्री राम के नारों से बोलपुर गूंज उठा। इतना ही नहीं, रोड शो में वंदे मातरम की धुन भी सुनाई दी, जिसे पश्चिम बंगाल के ही कवि बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा है। एक किलोमीटर का यह रोड शो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन था। रोड शो के खत्म होते ही गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि राज्य की जनता इस बार पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में है। बोलापुर में ममता बनर्जी को अपनी ताकत दिखाने से पहले अमित शाह बजरंग बली के दरबार में जाना नहीं भूले। रोड शो से पहले अमित शाह ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ की। ये तो गलत बोल। तो पश्चिम बंगाल का दौरा खत्म करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर प्रहार किए और उन्हें न सिर्फ बीजेपी नेताओं पर हमले का जवाब देने की बात कही, बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर भी ममता सरकार पर उन्होंने हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी फैमिली पार्टी बनकर रह गई है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर कौन से 5 प्रहार किए हैं, आप सुनिए। बंगाल दौरा खत्म करने से पहले अमित शाह ने 2 बातें साफ कर दी। पहली ये कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। दूसरी ये कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी का ही होगा। बीरभूम में रोड शो के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किए। बंगाल में जेपी नड्डा पर हुए हमले को लेकर अमित शाह ने कहा कि इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है, हिंसा का जवाब हम लोकतांत्रिक तरीकों से देंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को परास्त कर हम दिखाएंगे। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बताया। उन्होंने पूछा कि मोदी जी ने गरीबों को खाना भेजा, उसकी पूरी की पूरी बोरियां गायब हो गईं, इसका जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार की जानकारी भी है जो सत्ता में है, मगर अपनों ने किया है तो उस पर बोलने के लिए कुछ है नहीं। अपनों ने किया है इसलिए पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं है। जब परिवारवाद चलता है राजनीति में, तब इसी प्रकार की घटना एक के बाद एक आकार लेती है। अमित शाह ने भाई भतीजावाद को लेकर भी ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी एक फैमिली पार्टी बनकर रह गई।
लगभग 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन और 1 दशक के तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर ये ग्राफ नीचे गिरता गया है। अब ना कम्युनिस्ट विकल्प है ना तृणमूल कांग्रेस विकल्प है। बंगाल को आगे ले जाना है तो मोदी जी का पूर्व उदय का जो मिशन है, पूर्व को देश के ईस्टर्न हिस्से को वो जो ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं, इसी के साथ ही बंगाल की जनता हमारा सहयोग दे, ये मैं विनंती करने आया हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य के लिए एकमात्र बीजेपी ही विकल्प है जो बंगाल में अच्छे दिन लाएगी। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।